आरटीआई के जवाब में खुलासा किया कि फडणवीस सरकार ने विभाग के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल ये आरटीआई एक कार्यकर्ता जितेंद्र घटके ने दाखिल की थी। इसका जवाब देते हुए सूचना विभाग के अधिकारी सारंग कुमार पाटिल ने बताया कि सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने एक बार भी बैठक किए बगैर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। ये कमेटी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को स्टडी करने के बाद बनाई गई थी। गलत जानकारी देने के आरोप में आरटीआई का जवाब देने के बाद पाटिल को गलत जानकारी देने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ महाराष्ट्र के गृह विभाग की तरफ से जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये पहली बार है जब किसी सूचना विभाग के अधिकारी को गलत जानकारी देने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया हो। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।